खान इमरान इमरान खान किसको जब आज़ाद कश्मीर का झंडा दिया गया, वो हो सकता है कि आज़ाद कश्मीर के झंडे के बारे में मुझे भी कोई तामदात हो, लेकिन आज़ाद कश्मीर का झंडा जब उसे दिया गया एक खातून ने, वो भी उसी की पार्टी ने, जब कश्मीरियों के साथ जो में यकजहती बनाया जा रहा था तो इमरान खान ने बड़ी हकारत से उस झंडे को ठुकराया और उसको हाथ सीन गया, क्या ये तो ही नहीं थी? तो बात यह है कि ये हमारे आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान, अगर इस रियासत का स्टेटस किसी ने डिग्रेड किया है, अगर किसी ने यहाँ के आवाम की तोहीन की है, इस मुहिम को रिहाई के कैंपेन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बजाय तौर पर हमारे पेशवा मुकर्रमीन ने फरमाया कि मसला सजा का नहीं है, मसला ये है कि सफीद रवीर और सफीद को जिस तरीके से सजा दी गई है वो गलत है, किस वजह से सजा दी गई है वो वजह गलत है, नाइंसाफ़ी पर मबनी है। जज ने जिस तरीके से ट्रायल की शुरुआत की, जिस तरीके से बगैर हतमी फैस के उनको जेल भेज दिया, अपना फैसला सुना दिया, वो काबिल मजम्मत है। तो लिहाजा हम अपने जुद्दोजहद जारी रखेंगे। हाँ, एक बात मैं कहना भूल गया, लोग कहते थे कि हमने कुछ सियासी जदोजहद जो है वो सही तरह से नहीं की, देखें मेरे भाइयों कुछ बातें होती हैं जो वक्त से पहले नहीं की जाती, ये जरूरी नहीं होता है कि आप जो काम करें वो फरोफोरी तौर पर आप अखबार में दे दें, सोशल मीडिया में ले आएँ, हर चीज़ का एक अंदाज होता है, डिप्लोमेसी का एक अंदाज होता है, सियासत का एक अंदाज होता है, अक्सरियत का एक अंदाज होता है। मैंने जो ये तनवीर साहब और तनवीर साहब गिरफ्तार हुए तो मैंने मैंने जहां तनवीर साहब की दरख्वास्त के मुताबिक उनके नामजद करदा पहले वकील शौकत जानी साहब को तनवीर साहब के पास भेजा और उन्होंने उनको हदायत की कि मेरी बेल अप्लाई करें। उसके साथ साथ मैंने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को खतूत लिखे, टेलीफोन किए कि ये एक छोटा सा केस है, ये थाने में हल हो सकता है और इससे पहले कि ये केस जो है ये आपके गले की हड्डी बन जाए, आप तनवीर को जो है वो थाने से जो है ना ये थाने में ही इस केस को निपटा दें, उसको फारिग कर दें, उसने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया है। लेकिन इस केस से हमने ये देखा है, ये एक बार फिर साबित हुआ है कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का SP, यहाँ का DC, यहाँ जितने भी बड़े बड़े अहदेदार हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाह लेते हैं रियासत से आपके टैक्सों की कीमत से, लेकिन इनके पास जो हैं वो अख्तियार बड़े महदूद हैं। यहाँ पर एक दो वफादार आते हैं और मुजफ्फर सारे निज़ाम को, यहाँ के सदर को, यहाँ के वज़ीर आज़म को और यहाँ के वज़ीरों को और यहाँ के DC को और यहाँ के SP को बाईपास करके जो चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं होगा, और अगर होगा तो हमारी वजह से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इंशाल्लाह हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे और ये जदोजहद जो है वो दिन ब दिन जो है ये मजबूत से मजबूत कर होगी। बहुत शुक्रिया आप सबका। यहाँ मैं आखिर में इस धरने में बैठे हुए तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूं और माइक उनके हवाले करता हूं, जरूरतमंद बहादुर दलेर जनाब राजा नाजम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करें। सबसे पहले सलाम सारे मेहमान ग्रामीण की, तो दूसरा जितना भी इस धरने में शरीक हुए हैं मेहमान, चाहे वीरपुर से, बिम्बर से, कुरटा से, कोटली से, बाघ से, कलंदरी से, इस्लामाबाद से और स्टूडिया से, जितने भी मेहमान इस धरने के धरने में शरीक हुए हैं सबका मशहूर और ममनून हूँ। तो दूसरा मेरी तमाम अखबार से गुजारिश है कि पिंडाल के अंदर आज खाने का भी एहतमाम किया गया है। जी, मैं तमाम अहबाब का शुक्र गुजार हूँ जो यहाँ पर आए। मैं साजिद हुसैन JKL बरतानिया जोन से आए हुए हैं, उनका शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर अपना टाइम निकाल के आए। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो अंदर आए, दुआ भी अंदर होगी और आपके लिए खाने का इंतजाम भी।